boosted for tracking as far as setback for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is concerned. Is that the case? Well, because of the fact that Arvind Kejriwal's bail is on hold is what we're picking up. In fact, the High Court allows urgent hearing of the Enforcement Directorate's plea. Now, no bail for Delhi CM till High Court hears ED's plea is the latest that we're picking up. Remember, very important here, the Rouse Avenue Court had granted bail yesterday and now the Enforcement Directorate had challenged Kejriwal's bail and heated arguments we are picking up in High Court over this particular bail hearing. For the moment, let's also tell you with the fact that what the ASG had also said in terms of the fact that as we're talking about these important legal proceedings is that the ASG did state that he's moving for an urgent stay and the order was pronounced yesterday, but the order is not uploaded and they were not given a clear opportunity to oppose the bail is what we're learning. In fact, ASG SV Raju, who is representing the Enforcement Directorate, said was asked to finish arguments quickly. Pulkit, my colleague, joins me for more. Pulkit, jahan tak ye abhi is waqt sawal hai, kya ye bada setback hoga Kejriwal ke liye? अभी ये पूरा मामला डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट इस पर आगे क्या बोलता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक अपने ये बात कही है कि निचली अदालत में अभी कोई ऑर्डर रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। तो जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी को था कि वो सुबह जाकर निचली अदालत से रिलीजिंग ऑर्डर लेंगे, उसके बाद में जेल जाएंगे, वो अभी उससे आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी जब तक कि हाई कोर्ट इस बात पर मोहर नहीं लगा देता है कि निचली अदालत का फैसला मान्य होगा। अभी सुनवाई होगी, सुनवाई के लिए हाई कोर्ट तैयार हो गया है, तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने किया, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि वो इस मामले की सुनवाई तुरंत करेगा। अब इसमें फैसला हाईकोर्ट के ऊपर है कि वो निचली अदालत के फैसले को मान्यता देता है कि नहीं। जी पुलकित, और एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो एएसडी ने कहा है, जो एसवी राजू है जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उन्होंने ये भी कहा था क्योंकि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था उस वक्त, तो उनको एक क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था बेल को अपोज करने के लिए। देखिए, अभी भी ये बात कही जा रही है कि अभी जो निचली अदालत के ऑर्डर की कॉपी है वो नहीं मिली है। अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी ये ट्वीट कर कहा है कि जब ऑर्डर की कॉपी अभी तक आई ही नहीं है तो ऐसे में ईडी हाईकोर्ट कैसे पहुंच गई, ये सवाल जरूर आम आदमी पार्टी उठा रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि कोर्ट में ईडी की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें उनका पक्ष सही से सुना नहीं गया, वो अपना पक्ष पूरी तरीके से नहीं रख पाए, इसलिए इस मामले पे अभी इससे होना चाहिए और इस जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये बात ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर कही गई है। जी जी पुलकित, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस मोर ऑन दोज इंपॉर्टेंट डिटेल्स एज फार एज व्हाट इज एसेंशियली बीइंग सेड विद द लीगल डेवलपमेंट्स ऑफ दिस। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट द क्लियर आउटकम ऑफ दिस विल बी। हैविंग सेड दैट, वी आर गोइंग टू लीव इट एट दैट फॉर द मोमेंट। टाइम फॉर